हेलो दोस्तों, मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं पोल्ट्री की जानकारी चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस पीएच मीटर के बारे में। ये पीएच मीटर होता क्या है और कैसे काम करता है, चलिए शुरू करते हैं इसे। दोस्तों हम हमारे पानी की जो क्वालिटी है उसे देखने में मदद करते हैं। हमारे पानी में जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं और हमें हमारी पानी साफ जो दवा होती है हम कितनी चलानी चाहिए। इसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करें तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और आप फार्म पे जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। दोस्तों इसको परचेस करने के बाद में हमें पता चला कि हम हमारी पानी साफ जो है हम बहुत ज़्यादा डाल रहे थे, जिससे पानी भी खराब होता है और बर्ड्स में भी दिक्कत आती है, जिससे मोर्टेलिटी होती है और हमें नुकसान होता है। एक तो हमारी दवाई का नुकसान है जो हम दवाई भी ज़्यादा लगाते हैं और दूसरा जो हमारे फार्म में जो बर्ड्स है उसका भी नुकसान होता है। दोस्तों पहले हम एक लाट में 5 से 6 लीटर पानी साफ डालते थे, लेकिन आज जब पीएच मीटर आया है तो हम पानी की जब क्वालिटी देखते हैं तो हमारी पानी साफ 1 से 1.5 लीटर एक लाट में लगती है। उसके साथ दोस्तों ये आता है चार्ट जिसमें हमारे मीटर लिखा रहता है, पीएच मीटर लिखा रहता है कि हमारी पानी क्वालिटी कितनी होना चाहिए। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए निशान है दोस्तों, इसी तक हमें पानी में डुबाना है। ऊपर इसके स्विच है दोस्तों, चालू करने के बाद में दोस्तों ये इस तरह नंबर कम ज़्यादा बताएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जब हमारे पानी में इसको डालेंगे तब हमारा टेम्परेचर जो पानी का जो मीटर है वो सही साठ बताने लग जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें इसको पानी में कम से कम 1 मिनट रखना होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे पानी का जो मीटर है वो कितना है और हमें पानी साफ कितनी डालना है। दोस्तों पोल्ट्री में पीएच मीटर 6 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक होना चाहिए। दोस्तों इससे कम या इससे ज़्यादा रहा तो आपका पानी ख़राब है। इसको देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टंकी का जो पानी है, सादा पानी, उसे चेक करना है कि उसका पीएच मीटर कितना। इसकी कीमत दोस्तों मात्र 300 से 400 रुपये है। पोल्ट्री में हमारा जब बर्ड्स हेल्दी नहीं रहेगा तो लाखों का नुकसान हो जाता है दोस्तों, तो इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सादा पानी है टंकी का वो बर्ड्स के लिए हेल्दी नहीं है, वो 8 पॉइंट से ऊपर ही है। इसे दोस्तों हमें पानी में कम से कम 1 मिनट रखना है, तभी हमारे पानी का जो मीटर है वो हमें सही से मालूम होगा। दोस्तों अब हम वो पानी चेक करेंगे जिसमें हमने पानी साफ डाल रखी है। इसके लिए दोस्तों आपको मीटर को बंद करके दोबारा चालू करना होगा और फिर उसमें भी हमें 1 मिनट तक पानी में रखना होगा। दोस्तों इसके जो नंबर है वो बहुत धीरे धीरे कम और ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें 1 मिनट तक कम से कम रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें सही से मालूम होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पानी के जो नंबर हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं जिसमें हमने पानी साफ डाल रखी है। इसका पीएच मीटर दोस्तों 6.8 है, यानी ये पानी बिल्कुल सही है बर्ड्स के लिए। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, पोल्ट्री में पीएच मीटर 6.0 से लेकर 7.0 तक होना चाहिए, इससे कम और ज़्यादा नहीं। इसको ख़रीदने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसी तरह जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटे का जो बटन है उसको भी दबाएँ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।